अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सब देख रहे हैं रिहानास किचन। और आज मामा हम सबको एक नई स्पेशल डिश बनाना सिखाएंगी। पूछते हैं मामा से कि क्या बनाना सिखाएंगी। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं पास्ता बनाना सिखाऊंगी और बहुत इजी और आसान है। पास्ता 200 से 300 रुपए में तैयार हो जाता है और घर में बैठे जो 900 के बाज़ार में प्लेट मिलती है वो ये 4 से 5 प्लेटें तैयार हो जाती हैं। आप घर में बैठ के इसको बनाएं और मज़े लेके खाएं और बाज़ार से ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार होता है। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये क्या क्या चीज़ें इसमें डलती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो आपने पास्ता देखा है उसकी मैं आपको रेसिपी बताने चली हूँ। ये मैंने गाजरें ली हैं, 2 अदद दरमियाने साइज़ की, 2 अदद मैंने शिमला मिर्ची ली है दरमियाने साइज़ का, उसको इस तरह काट लिया है। 1 अदद मैंने दरमियाने प्याज ली है, उसको इस तरह काट लिया। थोड़ी सी गोभी बन ली है, वो उसको इस तरह काट ली है। 12 हरी मिर्चें ली हैं, उनको इस तरह काट लिया। ये देखिए मैंने स्पेगेटी ली है थोड़ी सी, और हाफ कप मैंने ये वाला ऑयल वाला, ये हाफ कप इस पास्ता का लिया है, और 1 कप इस पास्ता का लिया है, 1 कप इस पास्ता का लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई ली है, 2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 2 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च कुटी हुई, 2 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस लिया है, 3 टेबल स्पून मैंने सिरका लिया है, 1 कप मैंने ऑयल का लिया है, 1/2 किलो मैंने मुर्गी ली है बगैर हड्डी की, इस तरह उसको काट लिया है। और अब हम पहले हम ऑयल डालेंगे इसमें, और ये सारी डाल के इनको फ्राई कर लेंगे, सारी वेजिटेबल डाल देंगे। और साथ ही हमने पानी रख दिया बॉयल करने के लिए, और ये पास्ता पानी में डाल के बॉयल कर लेंगे। थोड़ा सा इसको लाइट ब्राउन करेंगे, इतनी देर में वो हमारी पास्ता उबल जाएगा, फिर हम गोश्त को फ्राई करेंगे। इस गोश्त को फ्राई करेंगे, वेजिटेबल लाइट ब्राउन हो गई हैं, गल चुकी हैं, तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए अब हम ये गोश्त डाल के इसमें फ्राई करेंगे इसको। लाइट ब्राउन हो गया, इसका भी हमने ब्राउन कर दिया। अब इसमें हम ये सारे मसाले डाल देंगे, ये सिरका डाल, सोया सॉस डाला है हमने, सिरका डाल दिया, ये कुटी हुई सुरख मिर्च, काली मिर्च कुटी हुई, हद भी जायका नमक डाल। बन चुका है सारा, अब हम इसको छान लेते हैं। काफ़ी हद तक हमारा ये गल चुका है गोश्त भी, और ये अब इसको हम भूनेंगे। भूनने के बाद सब चीज़ें ऐड कर, तमाम मसाला खुशियों को हो चुका है और गोश्त भी गल चुका है। अब इसमें हम पास्ता डालेंगे, और ये वाली वेजिटेबल, फिर इसको मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट तक इसको मिक्स करके दम दे देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट का दम दे देंगे, ताकि ये सब मसाला सब में रच बच जाए। अब हम इसको 5 मिनट का दम दे देते हैं हल्की आंच पे। ये देखें मज़ेदार सा पास्ता तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं।
ये देखें चटपटा पास्ता तैयार है। इसको लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करें वो आपको ज़रूर शो हो। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।